हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पेरेंट्स कनेक्शन में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोग इसके पहले 60 क्वेश्चन देख चुके थे। अब जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको हम लोग देख लेंगे, ठीक है, 61 से। तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे कि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। चलिए शुरू किया जाए। पहला प्रश्न 61 क्या कह रहा, राजा उम्मेद सिंह किस पहाड़ी शैली के आश्रयदाता थे। 61 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज द राइट आंसर, ठीक है, चंबा शैली। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जयपुर शैली की प्रमुख विशेषता है, चटक रंगांकन, मणिकुट्टिम प्रवृत्ति, भित्ति चित्रण, हाथीदांत चित्रण। 62 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, भित्ति चित्रण। नेक्स्ट प्रश्न है, दी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं। तो 63 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, कार्ल खंडेल वाला। नेक्स्ट प्रश्न, भित्ति चित्रों के प्राचीनतम उदाहरण प्राप्त होते हैं, अजंता गुफा से, शीतलवासल गुफा से, जोगीमारा गुफा से, बाघ गुफा से। 64 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, जोगीमारा गुफा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 65, अजंता गुफा चित्रों में चित्रण हेतु किन रंगों का प्रयोग किया गया है। तो 65 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, अजंता गुफाओं को सर्वप्रथम किसने देखा था। डॉक्टर जेबर्ड ने, मेजर गिल ने, वेंगसान ने, ग्रिफिथ्स महोदय ने। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वेंगसांग ने देखा था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गुसाई गुफा किस गुफा समूह में स्थित है। गुसाई गुफा बाघ में, अजंता में, एलोरा में, सिंगिरिया में। तो दोस्तों ये कहाँ पे समूह स्थित है, तो ये स्थित है आपके बाघ गुफा में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, कैलाश मंदिर नाम से विख्यात विश्व विख्यात गुहा मंदिर कहाँ है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, एलोरा, एलोरा में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सिंगिरिया गुफाएं स्थित है। 69 का देख लेते हैं, सिंगिरिया गुफाएं स्थित है तो कहाँ है, तो ये श्रीलंका में स्थित है, ठीक है दोस्तों, श्रीलंका में स्थित है। 2 सुकाकुल नारी चित्र बाघ की किस गुफा संख्या में स्थित है। 70 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चौथी गुफा में स्थित है, ठीक है, चौथी गुफा में स्थित है। अप्सरा चित्र अजंता की किस गुफा में है, अप्सरा चित्र अजंता की किस गुफा में संख्या में है ये बताना है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 17वीं गुफा में स्थित है, ठीक है। एलोरा गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, तो दोस्तों एलोरा की जो गुफाएं हैं वो आपके जैन बौद्ध शैव तीनों धर्म से संबंधित है, ठीक है। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा गुफाएं जो हैं आपका किस धर्म से है ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अजंता गुफाएं स्थित है तो कहाँ स्थित है। 73 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सतपुड़ा पहाड़ियों में, ठीक है, सतपुड़ा पहाड़ियों में। नेक्स्ट प्रश्न है, कला नाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम किस ग्रंथ में उल्लिखित है। विष्णु धर्म उत्तर पुराण, कामसूत्र में, चित्रलक्षण में, भगवत गीता। 74 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। दोस्तों ये देखिए, जो ये आपका ये श्लोक दिया हुआ है ये चित्रसूत्र में वर्णित किया गया है, अगर यहाँ पे चित्रसूत्र अगर दिया हो ऑप्शन में तो वो सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि
चित्रसूत्र जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। पार्श्वगत चित्रण से तात्पर्य है पृष्ठभाग का चित्रण, बगल से आधे भाग का चित्रण, और क्या है दिया है, अग्रभाग का चित्रण, छाया प्रकाश के साथ चित्रण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बगल से आधे भाग का चित्रण क्या होता है, पार्श्वगत चित्रण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा चित्र का चित्रकार है अवनींद्रनाथ टैगोर, आशित कुमार हल्दर, नंदलाल वासुदेव प्रसाद राय चौधरी। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नंदलाल बसु। नेक्स्ट प्रश्न है, नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र है, 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा स्नान स्थल। ठीक है, स्नान स्थल आपको बताना है, स्नान स्थल जो है किसने चित्रित किया था। ठीक है, स्नान स्थल को किसने चित्रित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कंपनी शैली में किन चित्रों का निर्माण अधिक मात्रा में हुआ है। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लघु चित्रों का। ठीक है, यथार्थवादी कलाकार का नाम बताइए, कोरो, देगा, जेरिकाल्ड, कुर्बे। तो 79 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कुर्बे जो कि यथार्थवादी कलाकार है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, किस कलाकार को भारतीय कला का जन्मदाता कहा जाता है, पिकासो को, सेजान को, मोने को, वन गॉग को। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 80 का बी, सेजान। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, प्रमुख अभिव्यंजनवादी कलाकार का नाम है, एडवर्ड मुंक, मातिश, एर्नेस्ट मॉक्स, एर्नेस्ट सल्वाडोर डाली। तो 81 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, एडवर्ड मुंक। 82 हमारा प्रश्न है, बर्थ ऑफ वीनस के चित्रकार हैं, राफेल है, रूबेंस है, बोटिचेली है, वेरोनीज है। तो 82 का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी, बोटिचेली। दोस्तों इसके पहले वाले जो पार्ट में हमने एक प्रश्न करवाया था आपको बता दे रहे हैं, उसका आंसर कुछ मैंने गलत बता दिया था। जैसे हाँ बताया था बसंत, बसंत किसका चित्र है, 17 नंबर का प्रश्न है, आप लोग सही कर लीजिएगा। जो बसंत चित्र है वो किसका है, तुए बोटिचेली का ही है। ठीक है, हमने गलती से मैं साँचीओ बता दिया था दोस्तों, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, सही कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा, बसंत ऋतु का जो चित्र है वो बोटिचेली ने ही बनाया था। ठीक है, 17 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। लास्ट सफर, लास्ट सफर किसकी कृति है। तो दोस्तों 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लियोनार्डो द विंची। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित डेविड की मूर्ति किस चीज से बनी है। 84 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, संगमरमर से बनी है। ठीक है, संगमरमर से बनी हुई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किरणवाद को जन्म देने वाले कलाकार हैं, कंडन्स्की है, विडहम लेविस है, सेवरिनी है, लारियोनो है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लारियोनो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भविष्यवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। 86 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 86 का ए हो जाएगा, इटली। ठीक है, इटली हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी MF हुसैन की कृति नहीं है, इसमें से बताना है कौन सी मकबूल फिदा हुसैन की कृति नहीं है, करबला, राइडर्स और जमीन, ब्लू लेडी। तो अपना 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्लू लेडी। ठीक है, बाकी सब MF हुसैन का कृति है। ठीक है, नेक्स्ट है, भोपाल में रूपंकर के प्रथम निदेशक कौन थे। 88 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जे स्वामीनाथन।
क्या थे? जे स्वामीनाथन क्या थे दोस्तों? ये आपका प्रथम निदेशक थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली शिल्पी चक्र के मुख्यतः किन किन कलाकारों का योगदान रहा है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों दिल्ली शिल्पी चक्र में जो मुख्य कलाकारों का योगदान रहा है, किसका रहा है? वो रहा है भारत विभाजन के पश्चात जो पाकिस्तान से विस्थापित कलाकार भारत आए थे, उनका योगदान रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मूक और बधिर चित्रकार का नाम बताइए, इसमें से बताइए मूक और बधिर कौन था। तो 90 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सतीश गुजराल जी क्या थे? मूक व बधिर चित्रकार थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। धनराज भगत द्वारा निर्मित मूर्तियां मूलतः किस वाद से संबंधित है? 91 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये दोस्तों क्या थे? घनवादी थे। ठीक है, घनवादी थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस कलाकार ने बनारस विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय के डीन के पद पर कार्य किया? ठीक है, यहाँ दोस्तों हीन लिखा है, इसको बना लेंगे, डीन है, डीन के पद पर कार्य किया। तो 91 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, के एस कुलकर्णी ने डीन के पद पर कार्य किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रिलीजन ऑफ एन आर्टिस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं, मूलक राजानंद है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, हीगल हैं, हर्बर्ट रीड है। तो 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, क्या है? रिलीजन ऑफ एन आर्टिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में लिथोग्राफ प्रेस खोलने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो इसका बहुत ही आसान आंसर है, क्या है? ऑप्शन नंबर डी राजा रवि वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, बंगाल शैली को और किस नाम से जाना जाता है? तो बंगाल शैली को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये वॉश शैली के नाम से। ठीक है, क्योंकि वॉश यहाँ पे तकनीकी अपनाई गई थी। ठीक है, चित्रण की में, ठीक है, चित्रण की वॉश तकनीकी अपनाई गई थी, इसलिए इसको वॉश शैली कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, सिंधु घाटी की कौन सी वस्तु भारतीय कला के प्रथम जीवित प्रमाण है? तो 96 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांस्य नर्तकी। ठीक है, कांस्य नर्तकी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हड़प्पा से प्राप्त काले रंग के पत्थर की बनी मूर्ति किसकी है? तो 97 का आपको राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नर्तकी की। ठीक है, नर्तकी की बनी हुई मिली है। ठीक है, जो कि कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थिर मुख आकृति होती है वृत्ताकार, अंडाकार, पानकाकार, ओमकाकार। तो 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अंडाकार का जो होता है वो स्थिर मुख आकृति दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन प्रागैतिहासिक स्थल मध्य प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 99 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सरगुजा जो है आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये एक प्रागैतिहासिक स्थल है। ठीक है, मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्कंडेय जी की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ठीक है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, सृजनात्मकता ही कला है, कथन किसका है, ये आपको बताना है। तो 101 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अरस्तु। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, परिप्रेक्ष्य भ्रम पैदा करने के लिए प्रयोग की जाती है, क्या प्रयोग की जाती है? सरल रेखाएँ, वर्तुअल रेखाएँ, कोणात्मक रेखाएँ, विकर्ण रेखाएँ। तो 101 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोणात्मक रेखाएँ। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, किस किस रंग के मिलने से ग्रे रंग बनता है? लाल हरा, लाल काला, काला भूरा, काला और सफ़ेद। दोस्तों काला और भूरा को मिलाने से 103 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ग्रे बनता है ना दोस्तों, तो 103 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, काला और सफ़ेद को मिलाने से ग्रे बनेगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, अलाई मीनार कहाँ स्थित है? 104 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में है। अगले प्रश्न है हमारा, चित्रतल का वह भाग जिसमें प्रमुख आकृति चित्रित की जाती है कहलाता है?
तो 105 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर सक्रिय अंतराल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? सक्रिय अंतराल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, विशालकाय मयूर की आकृति किस प्रागैतिहासिक गुफा में अंकित है? 106 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, पंचमढ़ी में, कोबर में, लिकुनिया में, आजमगढ़ में। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, आदमगढ़ में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार जोगीमारा के गुफा चित्र किस समय के हैं? तो डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार दोस्तों, जोगीमारा की जो गुफा है वो किसके समय के हैं? तो ये 107 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं कहाँ पर बने हैं? 108 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सैरों पर बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जोगीमारा गुफा के चित्रों में मानव आकृतियाँ किस रंग से चित्रित हैं? तो 109 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल रंग से मानव आकृति बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अजंता गुफा को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया? ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों, 110 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो अजंता को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था कब? अगला प्रश्न है हमारा, अजंता गुफा समूह की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है? तो कौन सी गुफा बताना? तो 111 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 10वीं गुफा जो है दोस्तों, क्या है? सर्वाधिक प्राचीन है इन चारों गुफाओं में से जो ऑप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ, बाघ की गुफाओं में कौन सी गुफा पांडवों की गुफा कहलाती है? पांडवों की गुफा कौन सी कहलाती है दोस्तों, कौन सी नंबर की? तो 112 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूसरी गुफा को पांडवों की गुफा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बादामी गुफा के चित्रों का सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया? तो 113 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सर्वप्रथम स्टेला क्रेमनिस ने। 113 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कहा है, बादामी गुफाओं के चित्रों का सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया था? ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है अध्ययन किसने किया था, तो स्टेला क्रेमनिस ने। अगर पूछा होता बादामी गुफाओं के चित्रों को सर्वप्रथम किसने देखा था, तो TS गोपीनाथ ने। ठीक है, तो ये क्लियर कर लेंगे यहाँ पे बात। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, निम्न में से पल्लव कालीन कला के श्रेष्ठ उदाहरण किस गुफा से प्राप्त होते हैं? 114 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चित्तलवासल। ठीक है, चित्तलवासल की गुफा से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला हमारा जो प्रश्न है, सिंगिरिया गुफाओं में कुल कितनी नारी आकृतियाँ प्राप्त होती हैं? तो सिंगिरिया की जो गुफा है उसमें कुल आपके 21 नारी, जो रूपायणी नारी की वो आकृतियाँ प्राप्त होती हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एलोरा गुफा समूह में जैन धर्म से संबंधित कुल कुल बताना है कितनी गुफाएं हैं जैन धर्म से संबंधित? तो दोस्तों 116 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कुल 5 गुफाएं हैं। ठीक है, 5 गुफाएं हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पोथी चित्रण का प्रारंभ हुआ? तो 117 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, पाल शैली। हमारा जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक पाल शैली की नहीं है? पाल शैली की नहीं है ये आपको बताना है। 118 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका दुर्गा सप्तशती, ये पाल शैली का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, चौर पंचाशिका के लेखक हैं, तो चौर पंचाशिका के जो लेखक हैं दोस्तों वो कौन है? विल्हड़ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर कालीन चित्रित रामायण का एक चित्र राजा दशरथ द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ का चित्रकार किसका है? तो 120 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है दोस्तों, 120, अकबर कालीन चित्रित रामायण का एक चित्र राजा दशरथ द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ का चित्रकार है, तो 120 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भशावन। ठीक है, भशावन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं के समय में चित्रित हमजा नामा के चित्र किस पर बने हुए हैं? तो 121 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो ये बने हैं किस पे? सूती कपड़े पर बनाए गए हैं। ठीक है, सूती कपड़े पर बनाए गए हैं हमजा नामा के चित्र। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, अकबर की चित्रकला में किस धर्म के चित्रकार सबसे अधिक थे? तो दोस्तों ये हिंदू धर्म के सबसे अधिक अधिक थे। ठीक है, अगला हमारा जो प्रश्न है, जहांगीर नामक की शाही प्रति का मुख्य चित्र बनाने वाला चित्रकार था? तो 123 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बबुल हसन ने बनाया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जहांगीर ने अकबर काल चित्रशाला को इलाहाबाद किले में स्थानांतरित कर किसे उसका अधीक्षक नियुक्त किया था? तो 124 का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकारिज को नियुक्त किया था। ठीक है, अंतिम हमारा प्रश्न है दोस्तों, सोनी महिवाल का चित्रण किसने किया था? तो 125 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा मंजीत बाबा ने। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये प्रश्न आपको कैसा लगा, ठीक है, ज़रूर बताइए कमेंट के माध्यम से, और पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है, जिससे कि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।